150 लोगों की मौत हुई, 50 बच्चे मर गए जिसमें 2 साल का बच्चा भी था। अच्छा, वहां से किसको टिकट दिया? भाजपा ने। भाजपा ने किसको टिकट दिया? इतना पानी है, घुटने बराबर पानी, लोग पानी में चल के जा रहे हैं, तो भाजपा का एक एमएलए ट्यूब लगा के, अबे घुटने बराबर पानी में ट्यूब, इतना डरता मौत से। हमको बोलना था ऊपर से कूद जाते, और किया ना तौफीक भाई ने, 2 लोगों ने जाने बचाई। इसको ये ट्यूब पहन के घुटने और पानी में तीर रहा है। ए वीडियो ले, ले। पप्पा जी को दिखाना है, मोदी जी को टिकट मिलेगा। अरे घुटने बराबर पानी में तीर रहा है, उसको मोदी जी टिकट दे दिए। यानी 150 लोग जो मर गए उसका जिम्मेदार कौन? वो जो 2 साल का बच्चा मर गया उसके माँ बाप को क्या कहा जाएगा? जो 50 बच्चे मर गए उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? उस माँ पर क्या गुजरती होगी जो 9 महीने अपनी औलाद को अपने पेट में पाला होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा के दौर में कीमती आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है, और भाजपा क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये छोटा रिचार्ज बोलेगा बिल्किस पे नहीं बात करेंगे, गारंटी कार्ड देंगे। अरे कार्ड की जरूरत नहीं है, जबान से बोलो। जो गरीब लोग आज गारंटी कार्ड को देखकर सोच रहे हैं, मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं, यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था, तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था, यही शख्स था जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया, और उसके बाद कोर्ट ने उसके इल्जाम उसके इल्जाम को झूठा बना दिया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी तकलीफ को बयान कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके मसाइल को उठा सके। हाँ, ये सब मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, मगर याद रखो, मैं अगर आपके दरमियान में आया हूं तो इंशाल्लाह आता